हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कम्युनिटी टैब पे आप जाओगे तो जैसे कि आपको पता हो, हम लोग वोटिंग करते हैं एवरी वीक और एक लर्निंग वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो ये मैंने लास्ट वीक वोटिंग करवाया था, जिसमें आपने ज़्यादातर वोट किया था चार्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे एंड स्विंग, करेक्ट। 53% वोटिंग इस पर था। सो आज ये टॉपिक में हम लोगों ने एक लर्निंग वीडियो बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले टाइम फ्रेम्स में आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा चार्ट्स पे। सो जो मैं रेकमेंड करता हूँ या मैं यूज करता हूँ वो ये पैटर्न है। 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट फॉर इंट्राडे मैं यूज करता हूँ, 1 आवरली चार्ट और 2 आवरली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। जैसे आपको एक बड़ा मूव कैप्चर करना है या एक स्विंग मूव कैप्चर करना है तो आवरली चार्ट और 2 आवरली चार्ट काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो डेली चार्ट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। एंड इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 6 महीना 1 साल के लिए तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपको निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का खोलने के बाद आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज करना है, दैट्स इट, सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज करना है। अभी प्राइसेस लेट अस अज्यूम यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो, एक सिंपल मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, करेक्ट। ट्रेंड लाइन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, डोंट वरी, मैं आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक वीडियो बना कर दूंगा। बट अभी फिलहाल आप समझो कि एक ट्रेंड लाइन आपको ज्यादा यूज करना है, सिंपल ट्रेंड लाइन यूज करना है। एक चार्ट पे 2-3 ट्रेंड लाइन से ज्यादा ड्रॉ मत करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो प्राइसेस यहाँ पर है, मैंने सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, 15 मिनट चार्ट है, उसके बाद देखते हैं। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन टूटा, ट्रेंड लाइन टूटा जैसे ही आप देख सकते हैं एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। ये देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है। अब मैं यहां पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा है। यहां से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट ज्वाइंट करके यहां पर मार्केट ओपन हुआ, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन टच किया है, देन फॉल, आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। सो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको प्रॉपरली ड्रॉ करना आता है, राइट पॉइंट्स आपने जॉइंट किए हैं, बहुत इफेक्टिवली आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा ट्रेंड लाइंस। स्विंग ट्रेडिंग में आपको समझ में आएगा, अब मैं आपको आवरली चार्ट पे दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो मैंने ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट जॉइन करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, करेक्ट। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनता है और एक सिंपल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो, ये पॉइंट ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया एंड मूव, आप देख सकते हो। ये जो मूवमेंट आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो इसको बोलते हैं स्विंग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग। सो जब आप ये मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप एक बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो शॉर्ट टाइम फ्रेम में, ठीक है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। इसलिए मैंने आपको बोला कि आवरली चार्ट और 2 आवरली चार्ट पे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब मैं आपको डेली चार्ट का एग्जांपल, ये देखो बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, करेक्ट, आप देख सकते हो यहीं पे इसने बार बार हाई बनाया, एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। यहां पर इसने चैनल ब्रेकआउट दिया, करेक्ट, और वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पे टेस्ट हुआ है, ठीक है, 21,000 पे, 21,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है एंड वापस ऊपर गया है, ठीक है। अभी ये जो लास्ट ब्रेकआउट लेवल था, ये जो लास्ट ब्रेकआउट लेवल है 22,000 के आसपास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटता है तो हो सकता है एक बार 21,000 के टारगेट समय वापस देखने को मिले, ऐसा टच हो एंड देन वापस ऊपर जा सकता है, करेक्ट। सो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप चैनल ड्रॉ करते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, देन आप ट्रेड करते हो, ठीक है। इसी चार्ट पे मैं आपको ट्रेंड लाइन का भी एग्जांपल देता हूँ, ये पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ एंड देन फॉल, समझ में आ रहा है, करेक्ट। सो सिंपल आपको ट्रेंड लाइन यूज करना है डेली चार्ट पे फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं मंथली, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पॉइंट ज्वाइन किया, ये पॉइंट ज्वाइन किया और यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया था एंड बड़ा फॉल देखने। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वीकली चार्ट आप कैसे यूज कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, यहाँ पर एक मेजर लेवल टूटा है 28,000,
ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा ट्रेंड लाइन टूटा है वीकली चार्ट पे। अब यहाँ पर आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए था, आपके पास अगर पोर्टफोलियो में कोई बैंकिंग स्टॉक्स होते तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते एक बार, ठीक है, और जब ये नीचे आ जाता तब आप वापस बाय कर लेते। जब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डबल बॉटम हुआ है, डबल बॉटम लेके सपोर्ट कर रहा है, तब आप वहां पे री एंट्री करते आपके बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ऐसे आप पोर्टफोलियो शफलिंग कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट। वापस मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से, आवरली चार्ट, 2 आवरली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, डेली चार्ट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है, वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आज मैंने एक कंसेप्ट लॉन्च किया है, मैंने एक चैटबॉट बनाया है, आप देख सकते हो आस्क मनीष शर्मा बॉट, ठीक है, बॉट मीन्स चैटबॉट मैंने बनाया है। जो भी आपकी स्टॉक क्वेरीज होती है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, ये चैटबॉट के थ्रू, ठीक है, तो आप ये चैटबॉट पे क्लिक करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। खाली एक टाइमिंग मैंने रखा है 6:30 to 7 PM डेली आपको आंसर मिलेगा, सैटरडे संडे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, 6:30 to 7 PM आपको डेली इवनिंग में आधा घंटा जो भी आपकी स्टॉक क्वेरीज हो आप ये चैटबॉट पे आप पूछ सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। ट्रेड रिकमेंडेशन हम आपको नहीं देंगे इस पे, लेकिन आपकी जो भी जनरल क्वेरीज होती है, लेट से आपके पास IRCTC पड़ा है और आपको पूछना है कि सर ये होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए, तो ऐसी क्वेरीज आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सो ट्रेड रिकमेंडेशन हम आपको इसमें नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी स्टॉक रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हो, करेक्ट। सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, तो आप अपनी स्टॉक क्वेरीज आप इजिली पूछ सकते हो मुझसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चार्ट फ्रेम वीडियो, डेफिनेटली बहुत सारे यूनिक वीडियोज मैं लाने वाला हूँ मेरे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, बहुत सारे लर्निंग वीडियोज आने वाले हैं और डेली जो मार्केट लाइव अपडेट देता हूँ मैं इंट्राडे ट्रेड के साथ, वो भी वीडियोज आते रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।